नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, और इस संबंध में एक ड्राफ्ट रूल्स या प्रपोजल तैयार किया गया सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट किया जाएगा भारत में, और एक रेगुलेटरी बॉडी होगी जो कि अप्रूव करेगी कौन से गेम्स भारत में लीगली ऑपरेट कर सकते हैं या कौन से नहीं कर सकते हैं। क्यों ये किया जा रहा है, क्या इसके रीजंस हैं, सबके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। पहले न्यूज देख लेते हैं। तो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो कि खुद से रेगुलेट करे पूरे गेमिंग इकोसिस्टम को, ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम को, मैंडेटरी नो योर कस्टमर नॉर्म्स फॉर वेरिफिकेशन, केवाईसी जरूर होना चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर दी कस्टमर्स, फॉर दी प्लेयर्स जो खेलते हैं, जिनको कंप्लेन्स हो सकती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स हैं जो कि रखे गए हैं दी ड्राफ्ट रूल्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग, जो रिलीज किए गए बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ऑन मंडे। यहां पर मैं आपको बताऊं कि करना क्या होगा। तो जो भी ऑनलाइन गेम्स जिनको ऑपरेट करना है भारत में लीगली, उनको रजिस्टर करना होगा एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के साथ, और जो गेम्स इस बॉडी के द्वारा क्लियर किए जाएंगे, जो ये बॉडी कहेगी कि ठीक है ये गेम्स ऑपरेट कर सकते हैं, केवल वही लीगली ऑपरेट करने के लिए अलाउड होंगे भारत में। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को अलाउ नहीं होगा टू एंगेज इन बेटिंग ऑन द आउटकम ऑफ द गेम्स, बेटिंग के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, ये भी प्रपोज रूल्स में कहा गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने ये बताया कि 40 से 45% जो गेमर्स हैं भारत में वो महिलाएं हैं। तो ऐसे में ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि गेमिंग इकोसिस्टम को सेफ बनाया जाए, सेफ रखा जाए। यहाँ पर आगे उनका कहना है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पीस है इन दी स्टार्टअप इकोसिस्टम। जिस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम फिलहाल देश में हम देख रहे हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पीस है, उसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है, कॉम्पोनेंट है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गोल ऑफ $1 trillion इकोनॉमी। तो ये इसको हम आउटराइटली रिजेक्ट या डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार काम करेगी इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाए इंडियन स्टार्टअप्स को टू ब्लूम। चलिए इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएस। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है ND Live 10। स्पेशल क्लास टाइमिंग्स आर 11 AM एवरी डे। नाउ द क्वेश्चन दैट यू माइट हैव इन योर हेड्स इज मैम व्हाई अनअकैडमी, अनअकैडमी से क्यों जुड़े। देखिए अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कोर्सेज आपको मिल रहा है, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे। आपने एक बार एनरोल कर लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसके बाद कितनी बार भी आप रिविजन कर सकते हैं, कितनी बार भी आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग मिलती है, रिजल्ट तो आपने देखे ही हैं हर साल। 2023 नया साल शुरू हुआ है, इसके नए साल नए रेजोल्यूशन नए गोल्स के लिए अनअकैडमी आपको दे रहा है 23% का फ्लैट डिस्काउंट, जो कि वैलिड है केवल 6 जनवरी तक। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10 टू अवेल दिस डिस्काउंट। बैचेस शुरू हो जाएंगे 1st week of January से। नाउ अब देखते हैं ड्राफ्ट रूल्स में एक्चुअली कहा क्या गया है। तो जो प्रपोज रूल्स हैं जिसमें जो का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी यूजर्स हैं, जो भी लोग खेलते हैं, उनको सेफगार्ड, उनको बचाया जा सके, उनकी सुरक्षा की जा सके फ्रॉम अगेंस्ट एनी पोटेंशियल हार्म, जो भी उनके साथ नुकसान हो सकता है। देखिए ऑनलाइन गेम्स में क्या होता है ना, कई बार बच्चा एडिक्ट हो जाता है, नॉट जस्ट किड्स, अडल्ट ऑल्सो एडिक्शन हो जाता है, कई बार यू लूज स्टार्ट लूजिंग मनी ऑल्सो, इस तरह के गेम्स भी हैं। तो यू हैव टू बी लाइक वेरी वेरी कॉशियस। इस चीज को सरकार ने संज्ञान में लेते हुए ड्राफ्ट रूल्स डाले हैं कि भाई इस तरह का कोई हार्म होना नहीं चाहिए फ्रॉम दी स्किल बेस्ड गेम्स। इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया अमेंडमेंट टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये जो इसका जो उद्देश्य है इज टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, जो भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट किया जाए इंटरमीडियरी की तरह, कि वो भी इंटरमीडियरी है, जैसे कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है ना, उस तरह से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को भी इंटरमीडियरी तरह ट्रीट किया जाएगा, और उनको भी रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाए जाएंगे कि ये चीजें आप नहीं कर सकते हो, ये चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। एंड प्लेस ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट ऑन देम, और उनकी जो जिम्मेदारी उनको वो भी उन पर डालनी आवश्यक है, आप भाग नहीं सकते हो अपनी जिम्मेदारी से। बेसिकली दिस इज द इंटेंट कि इट इज टू मेक the online gaming startup or the ecosystem safer for the players, जो skill-based games है उसमें भी।
Now, as per the principles laid down under the rule, wagering on the outcome of game will not be allowed. मतलब इसमें betting वेटिंग कोई अलाउ नहीं होगी. इसमें जो भी ऑनलाइन कंपनीज होगी उनको रजिस्टर करना होगा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी. ना जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी इसमें क्या होगा, इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जिनमें 5 मेंबर्स होंगे जो कि अलग अलग फील्ड से होंगे, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग की फील्ड से भी होंगे, पब्लिक पॉलिसी के लोग भी हैं, आईटी से भी होंगे, साइकोलॉजी से, मेडिसिन से, इन सभी पांचों फील्ड से ये 5 मेंबर्स होंगे इस बॉडी में. और इस बॉडी का मेन पर्पस, मेन जो रोल होगा वो ये होगा कि जो भी रजिस्टर्ड गेम्स हैं वो कुछ भी ऐसा ना करें जो देश की जो संप्रभुता है, इंटीग्रिटी है, उसको हानि पहुंचाता हो. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. देश की सुरक्षा, डिफेंस को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, प्रभावित नहीं करना चाहिए. जो भी हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं फॉरेन स्टेट्स के साथ, या फिर पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इसको, और ना ही ये भड़काने वाला काम करना चाहिए किसी भी इस तरह के ऑफेंस से जो भी इसमें कहा गया है. ठीक है, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, ये इंश्योर करना इस रेगुलेटरी बॉडी की जिम्मेदारी होगी. नाउ जरूरी नहीं है कि एक ही रेगुलेटरी बॉडी हो. अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट रूल्स दे कुड बी मोर देन वन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी. एक से ज्यादा बॉडी भी हो सकती है, और सभी को इन्फॉर्म करना होगा सेंटर को जो भी गेम्स हैं जिन जो इनके साथ रजिस्टर किए गए हैं, और एक रिपोर्ट तैयार करके देनी होगी जो भी जिसमें जो क्राइटेरिया दिया गया रजिस्ट्रिंग का, जिस वजह से इनको रजिस्टर किया गया, वो सब रिपोर्ट सेंटर के पास जानी चाहिए बाय दीज बॉडीज. गवर्नमेंट, यहाँ पर यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट हो सकता है कॉन्टेंट को भी रेगुलेट करे, जो भी ऑनलाइन गेम्स का कॉन्टेंट है उसको भी रेगुलेट किया जाएगा, ताकि ये इंश्योर किया जा सके गेम ना तो वायलेंट है, ना ही एडिक्टिव हो, ना ही उसमें सेक्शुअल कॉन्टेंट होना चाहिए. तो इन चीजों को भी रेगुलेट करने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है. हमने देखा है बहुत सारे ऐसे गेम्स, आई वुड नॉट नेम एनी गेम्स हियर, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, विच गेम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हुई है इन द पास्ट ऑल्सो, एंड कुछ को बैन भी किया गया. खैर बैन करने के रीजन ये नहीं थे कि वो एडिक्टिव थे या उनसे नुकसान हो रहा था, इट वॉज बिकॉज ऑफ द फॉरन रिलेशन प्रॉब्ली, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग. नाउ एक इंटरमीडियरी की तरह जो भी ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स होंगी उनको एक एडिशनल काम करना होगा, उनकी जिम्मेदारी होगी, जिसमें केवाईसी होगी यूजर्स की, जो भी लोग उनके साथ खेल रहे हैं, जो भी उनके कंज्यूमर्स हैं उनकी केवाईसी होगी, साथ में ट्रांसपेरेंट विड्रॉल, अगर कुछ कोई जीतता है तो उसमें ट्रांसपेरेंट विड्रॉल होना चाहिए, रिफंड ऑफ मनी होना चाहिए अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है, या जो भी इसमें कंडीशंस दी होंगी, और साथ में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विनिंग्स, ये भी इंश्योर उनको करना होगा. नाउ केवाईसी के लिए जो भी ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स हैं उनको फॉलो करने होंगे जो नॉर्म्स ले डाउन किए गए हैं इस तरह के एंटिटीज के लिए के द्वारा, जो कि रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा. आरबीआई रेगुलेट करता है इस तरह के नॉर्म्स ना, तो वही इनको भी फॉलो करने होंगे यहाँ पर. नाउ जो गेमिंग कंपनीज हैं इसके साथ साथ उनको एक सिक्योर मतलब ये भी सिक्योर करना होगा, एक नंबर ऑफ जनरेशन सर्टिफिकेट, कितने लोग पार्टिसिपेट करें, जनरेशन सर्टिफिकेट होगा जो कि टिपिकली यूज किया जाएगा इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो ऑफर करते हैं कार्ड गेम्स, तो दैट जो गेम्स आउटपुट हैं वो स्टैटिस्टिकली रैंडम हो और अनप्रिडिक्टेबल हो, मतलब उसमें कोई धोखाधड़ी ना हो पाए. साथ में नो बोर्ड सर्टिफिकेट भी देना होगा फ्रॉम अ रेप्यूटेड सर्टिफाइंग बॉडी. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कुछ भी चल रहा है. करेक्ट. इसी के साथ साथ जो भी जैसे सोशल मीडिया में या ई कॉमर्स कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कहा गया उनके रूल्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को भी कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करना होगा, जिसमें उनको कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है जो इंश्योर करेगा कि प्लेटफॉर्म सारे के सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, एक नोडल ऑफिसर को जो कि एक लाइजन की तरह काम करेगा विद द गवर्नमेंट, और साथ में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी असिस्ट करेगा अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो, जस्ट इन केस. साथ में ग्रीवियंस ऑफिसर भी होगा जो यूजर की कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करेगा. तो ये सारी चीजें करना अब इनके लिए मैंडेटरी होगा अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट प्रपोजल. अभी ये पास नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास नहीं है, इसके लिए मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है उसने लोगों के समक्ष इस ड्राफ्ट रूल को रख दिया है और कॉमेंट्स इनवाइट किए हैं ऑन द रूल्स बाय 17 जनवरी. तो आपको अगर कुछ कहना है तो आप भी वहां पर जाकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में जाकर आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर, आपके जो कॉमेंट्स हैं, आपके सलाह देना चाहते हैं, आपके सजेशन देने हैं, वो भी आप यहाँ छोड़ सकते हैं. और जो फाइनल रूल्स होंगे वो नेक्स्ट मंथ तक रेडी हो जाएंगे. ठीक है, ये ड्राफ्ट है अभी. चलिए एक बार ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को देख लेते हैं भारत में. तो जो रेवेन्यू है ना इंडियन ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री का, वो 2025 तक $5 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है. मतलब इट इज ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस इन इंडिया स्पेसिफिकली,
जो इंडस्ट्री है, इट ग्रू एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सीएजीआर ऑफ 38% इन इंडिया. भारत में 38% की ग्रोथ है इसकी, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ 2017 से 2020 के बीच में कंपाउंड करते हुए, हर साल की ग्रोथ देखते हुए. अगर चाइना में बात करें तो चाइना में ये 8% है और यूएस में 10%. तो यू कैन सी इट इज लाइक 30% से भी ज्यादा, मतलब 30 ज्यादा है, तीन तीन गुना है लगभग, तीन चार गुना है, 3 to 4 times, ठीक है, जो हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर. लगभग चार गुना के आसपास ही मान सकते हैं ना हम, 8 से 38, 40 मान लें. तो इतनी ग्रोथ यहाँ पर है इन कंपेरिजन टू यूएसए एंड चाइना. भारत में ऑफकोर्स द क्रेडिट गोज टू द पॉपुलेशन एंड द मोबाइल फोन दैट एवरीबडी हैज नाउ इन इंडिया, और सबका गेमिंग इंटरेस्ट. नाउ आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी जो ग्रोथ होगी वो होगी कम से कम 15% टू रीच रुपीज 153 बिलियन इन रेवेन्यू बाय 2024 तक, एज पर द रिपोर्ट बाय वीसी फॉर्म सिकोया एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी बीसीजी. तो काफी तेजी से सेक्टर बढ़ रहा है, तो इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता भी है, अनिवार्यता भी है, जिसकी वजह से इसको रेगुलेट करने की तरफ सरकार ने कदम उठाया भी है. होपफुली रूल्स आ जाए और जो जिन लोगों को नुकसान होता है, जो परेशान होते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ रूल्स है, कुछ लायबिलिटी भी दी जाए ऑनलाइन गेमिंग फॉर्म्स पर. आपको क्या लगता है, ये सही डिसीजन होगा कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. तो लास्ट रिवीजन बैच फॉर प्रीलिम्स 2023 5 तारीख से शुरू हो जाएगा, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए दोस्तों. 2024 के लिए आरंभ शुरू हो रहा है 12 जनवरी से. लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है आपके लिए. दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. आई होप यू लाइक द सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.